आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट रस रीति को जय जय श्री हरिदास। हरिदासी रसोपासना की ओर से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं अनन्य निरपत्ति श्री स्वामी हरिदास जी द्वारा बताया हुआ अष्टादश सिद्धांत। श्री स्वामी जी महाराज अपने अष्टादश सिद्धांत के नवे पद में इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि संसार समुद्र मनुष्य मीन नकर मकर और जीव बहु बंदिसी मन बयार प्रेम सने फंद फंदिसी लोभ पिंजर लोभी मजरिया पदारत चारी खंद खंदसी कहीं श्री हरिदास तेई जीव भय पार भय जे गही रहे चरण आनंद नंदसी। संसार समुद्र मनुष्य मीन नकर मकर और जीव बहु बंदसी कि यह संसार एक समुद्र के समान है। श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में मछली मगर और इत्यादि जो जल के जंतु हैं जल के जीव हैं वह बास करते हैं उसी प्रकार उदाहरण देते हुए श्री स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इसी भांति संसार भी एक समुद्र है और मनुष्य उसमें रहने वाली मछली और मगर के भांति है कि जिस प्रकार मछली का स्वभाव चंचल होता है उसी प्रकार अधिकांश मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है और कुछ मनुष्य मगर प्रवृत्ति के होते हैं जो एक दूसरे को ही काटने में या एक दूसरे के ही हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं कि संसार समुद्र मनुष्य मीन नकर मकर और जीव बहु बंदिसी और जीव बहुत जन्मों से इस समुद्र में बंधा हुआ है अपने प्रारब्ध अनुसार अनेकों जन्म होते हैं और फिर वह अपने पिछले प्रारब्ध के अनुसार अगले मनुष्य योनि में या अगली जीव योनि में प्रवेश करता है। इस भांति वह संसार रूपी समुद्र में युग युगों से गोता लगा रहा है और कभी भी संसार समुद्र से पार नहीं हो पाया। और आगे श्री स्वामी जी महाराज वर्णित करते हैं कि मन बयार प्रेम सने फंद फंद सी कि मन रूपी जो बयार है मन जो है पवन से भी तेज है वह इसने रूपी जाल में फंसा हुआ है वह मोह रूपी जाल में फंसा हुआ है और ऐसे में वह मोह का नाश कैसे हो उसके लिए श्री स्वामी जी महाराज ने आगे वर्णन किया और वह इस प्रकार बताते हैं लोभ पिंजर लोभी मजरिया पदारत चारी खंद खंदसी कि लोभी व्यक्ति सदैव ना चाहते हुए भी पिंजरे में बंधा रहता वह उस जाल में फंसा रहता है। जिस प्रकार से हम देखें कि मछली के लिए जब जाल बिछाया जाता है मछली जब दाना खाने आती है तो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है ठीक इसी प्रकार जीव भी लोभ के लालच से सुख के लालच से इस पिंजरे में इस पिंजर में फंसा रहता है और पार कौन होता है तो आगे बताते हैं कि लोभी मजरिया पदारत चार खंद खंद सी कि जो लोभी समुद्र में गोताखोर होते हैं जो मजरिया है जो गोताखोर होते हैं जो रतन प्राप्ति के उद्देश्य से उस समुद्र में गोता लगाते हैं वही जीव पार हो पाते हैं और चार पदार्थ जो समुद्र के रतन है उन्हें वह प्राप्त कर लेते हैं। और श्री स्वामी जी महाराज ने बताया रसिकों ने बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये उस समुद्र के चार रतन है जो संसार रूपी समुद्र है और जो जीव ये अपने स्वरूप को जानकर इन्हें प्राप्त कर लेता है वह उन्हीं गोताखोरों के समान माना जाता है जो समुद्र में आने के बाद भी और उसमें डूबकर भी पार हो जाता है। परंतु रसिक अनन्यों के लिए जो बिहारी जी के अनन्य है ऐसे रसिकों के लिए बिहारी जी का दर्शन ही काम है
और उनकी सेवा ही उनका धर्म है, और जो उनकी नित्य महल की टहल है वही उनका मोक्ष है, और रसिक अनन्यों का संग ही उनका अर्थ है। इस प्रकार से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वह रसिक अनन्यों के लिए तो नित्य धराधाम पर विराजमान है, बस हमें किसी रसिक की दृष्टि से उन्हें देखना है और अपने निज स्वरूप को जानना है। आगे श्री स्वामी जी महाराज वर्णित करते हैं, कहीं श्री हरिदास तेई जीव पार भये जे गही रहे चरण आनंद नंद नंदसी, कि वही जीव इस संसार रूपी समुद्र से पार होते हैं, जो गही रहे जो अर्थात श्री कृष्ण जो आनंद देने वाले श्री बिहारी जू है, नंद नंदन है, उनके श्री चरणों में जब वे चले जाते हैं तो वह जीव इस समुद्र से पार हो जाते हैं। और रसिकों ने बिहारी जी के नेत्रों पर ही कहा कि नैना बिहारी जी के नौका के आकार, कि बिहारी जी के जो नेत्र हैं वह नौका के समान है और जीव को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो नर इनमें बैठ गए ते है गए भवते पार, कि जो जीव बिहारी जी के नेत्रों का दर्शन कर उन्हें में बैठ जाए और बिहारी जी को अपने नेत्रों में बसा ले, वह उस रूप माधुरी का पान करते करते ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। परंतु ऐसा तभी संभव है जब हम अनन्य भाव से श्री स्वामी हरिदास जी के श्री चरणों का और वाणी का आश्रय लें और बिहारी जी के स्वरूप को जानें, क्योंकि स्वामी जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं जो बिहारी जी के स्वरूप और बिहारी जी के रूप का वर्णन कर पाए और उनका प्रभाव हमें बता पाए, बिहारी जी की रुचि बता पाए। इस प्रकार से श्री स्वामी जी के अनन्य होकर ही बिहारी जी को प्राप्त किया जा सकता है, और हम लोग श्री स्वामी जी के श्री चरणों का अनन्य भाव से आश्रय लें। इसी के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। संसार समुद्र मनुष्य मीन नकर मगर और जीव बहुबंद सी, मन बयारी प्रेरे सने लोभ पिंजरा लोभी मजरिया पदार्थ चारी खंद खंद सी, कहीं श्री हरिदास ते जीव पार भये जे गही रहे चरण आनंद नंद सी। संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मगर और जीव बहुबंद सी।